और दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क पर। दोस्तों आज के इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर EPS 95 पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप भी एक EPS 95 पेंशनर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें ताकि आने वाली हर एक चीजें आपको समझ में आएगी इस वीडियो में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या नहीं। और आपके लिए बहुत अच्छी अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। अगर आप एक पेंशनर हैं तो आपको अब पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये इंतजार की घड़ियां हैं जो समाप्त होने जा रही है। जी हाँ, आप बिल्कुल राइट सुन रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक करें ताकि हमें भी हमारी मेहनत का फल मिल सके और आपको भी आने वाला नोटिफिकेशन, आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने का आपको पैसा एक भी नहीं लगेगा। आपको लाइक करने से पैसा नहीं लगेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, डाटा खत्म नहीं होगा, लाइक नहीं लगे, कुछ भी मतलब पैसा वैसा कुछ भी नहीं लगता इसका। तो आप लाइक कर दो यार, हम भी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं ज्यादातर वीडियो में नहीं कहता हूं, कोई एक दो वीडियो में कहता हूं। दूसरी बात, मैं फेस टू फेस और क्वालिटी मंद वीडियो देता हूं, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ मैं वीडियो में अपलोड करता हूं, क्योंकि 3-4 GB का कम से कम मैं वीडियो अपलोड करता हूं हमेशा के लिए। तो हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत का फल हमें देने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें भाई, बस इतना ही कहूंगा, ज्यादातर वीडियो में नहीं कहूंगा, मैं एक बार कह दिया, ठीक है। अब दोस्तों EPS 95 पेंशनरों की जो मुख्य बातें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। आज क्या अपडेट आई है EPFO की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सरकार आपके लिए क्या कह रही है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों EPS 95 पेंशनरों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के वैसे तो बहुत सारी अपडेट आती रहती है, लेकिन जब तक EPS 95 पेंशनरों को पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के पेंशन कब से मिलेगी और पेंशन खाते में कब आएगी ये अपडेट जब तक नहीं आती है तब तक हमारे लिए बाकी की अपडेट ज्यादातर काम की नहीं रहती है। बहुत सारी अपडेट आती है, आपके UNA नंबर चेंज, UNA नंबर में आधार कार्ड जुड़ा हो, उसमें मोबाइल नंबर जुड़ा हो, उसमें ये करवाओ, उसमें ये कराओ, अब आपका बैलेंस चेक करने का तरीका ये हो गया है, वो हो गया है, ये सारी सारी अपडेट आती रहती है हमेशा। लेकिन मैं वो अपडेट नहीं देता हूँ, मैं अपडेट वही देता हूँ जो आपको उचित लगे, आपके काम की हो, आपके लिए सही अपडेट हो, वही अपडेट मैं आप तक पहुंचाता हूँ। दोस्तों EPS 95 पेंशनरों के लिए अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत अच्छी अपडेट आ रही है, बहुत अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो मैं यहाँ तक आशा करता हूँ कि EPS 95 पेंशनरों को अब वो राह, वो राहत मिलने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम EPS 95 पेंशनरों का जो ये मुद्दा हमारे पास कब से चल रहा है, ये मुद्दा EPS 95 पेंशनरों के लिए हम इसको जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं, हम इसको आगे के लिए ऐसा झंझट नहीं रखना चाहते हैं कि आगे के लिए और परेशानी हो, ये पीछे 5-6 साल से परेशानी चल रही है तो इस परेशानी को यहीं पर खत्म करते हैं और इनका जो भी योगदान है, जितनी भी इनको पेंशन मिलनी चाहिए इस हिसाब से इनको पेंशन दे देते हैं। तो इस पर EPFO ने भी अपनी जताई है, बातें जताई है कि हाँ योगदान के अनुसार हम पेंशन देने के लिए हम भी तैयार हैं, आप अगर योगदान के अनुसार पेंशन देते हो तो हम भी योगदान के अनुसार पेंशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन योगदान के अनुसार अगर पेंशन देते हैं तो कुछ लोगों को 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी और कुछ लोगों को 9,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी। अब ये माजरा हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि योगदान सभी का इतना है कि उनको कम से कम 5,000 रुपये से लेकर के 7,000 रुपये तक तो पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर 1,000 रुपये पेंशन तो गवर्नमेंट दे रही है, जो नॉर्मल 60 वर्ष से ऊपर हो गए उनको भी दे रही है। तो यार जो लोग बाकी लोग हैं उनको 2,000-3,000 रुपये से क्या होगा, जो जिन्होंने देश की सेवा की है। तो मैं यही चाहता हूं कि सभी को पेंशन 75+ DA मिले और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी से हमारे पक्ष में आए, इसकी बातें चल रही है। लास्ट मेरे हिसाब से 8-9 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो आप इंतजार करें, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। आप हमेशा वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आए कि क्या ये है क्या नहीं, और इस योजना में जो नहीं जुड़े हुए उनके लिए भी बहुत अच्छी अपडेट, बहुत खुशखबरी निकल कर आने वाली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो मिलते दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।